कल याद कुछ और रहे ता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहे ता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है, तो आज इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, एकदम अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल सिखाकर भेजेंगे, एकदम अलग तरीके से, बिल्कुल नायाब तरीका होगा, बिल्कुल सिंपल मेथड होगा। ठीक है, हमारा यह मानना है कि जब तक आप सीखते नहीं है तब तक हम अपने आप को दोष देते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है आपको सिखाने में। ठीक है, और हमारा प्रयास होता है कि हर एक बच्चा इस चीज को समझे, चूंकि गणित समझने की चीज है, गणित सीखने की चीज है, उसे रटा नहीं जाए, उसे सीखने का प्रयास करें बच्चा। और जब आप सीखेंगे तब जाकर आपकी रुचि बढ़ेगी इसमें, और जब आपकी रुचि बढ़ेगी तब जाकर आप पढ़ पाएंगे इसको। समझ में आ रहा है? जो भी चीजें आप जब समझते हैं तभी आपको अच्छा लगता है, यदि आप नहीं समझते हैं वो चीजें आपको अच्छा नहीं लगता है, और उन चीजों से धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जो है हट जाता है। इसलिए सीखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्या है वर्धमान और ह्रासमान फलन। यानी कोई भी फलन, फलन की बात हम पहले भी कर चुके हैं, चाहे वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, चाहे वो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि यदि वह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? इंक्रीज कराना कहता है कि तरक्की कर रहा है। तरक्की करने का क्या मतलब? आगे बढ़ रहा है। तरक्की करने का क्या मतलब हो रहा है कि आगे बढ़ रहा है। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट हम लगाने का प्रयास करेंगे कि यदि कोई भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी वह ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो वह फंक्शन क्या होगा? वर्धमान फलन होगा। वह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और यदि कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो वो जो आपका फंक्शन होगा डिक्रीज फंक्शन होगा। क्या होगा? डिक्रीज फंक्शन होगा, यानी ह्रासमान फलन होगा। अब ये हम जानेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो आप एक ग्राफ के माध्यम से इसको अच्छा से समझ सकते हैं। कोई भी फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है, यह सिर्फ और सिर्फ उसका ग्राफ बता सकता है आपको। ग्राफ जब आप बनाते हैं उस फंक्शन का, और यदि ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है तो कहते हैं कि इंक्रीज हो रहा है, नहीं? और यदि आप ग्राफ बनाते हैं उस फंक्शन का और यदि ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा होता है, नीचे की ओर बढ़ रहा होता है, तो वह आपका डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है, यानी ह्रासमान फलन कहलाता है। क्लियर हो गया? अब हम कुछ एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। जैसे देखिए, यहां पर हम लिखे fx बराबर x प्लस 5, एकदम सिंपल x प्लस 5। fx को आप y भी कह सकते हैं, तो y बराबर x प्लस 5। ठीक है, अब इसका एक बार ग्राफ चेक करते हैं। इसका ग्राफ एक बार चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ चेक करते हैं। देखिए, यहां y, यहां x, सबसे छोटा मान 0 से शुरू कर रहे हैं, तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो 5, 1 रखेंगे तो 6, 2 रखने पर 7, 3 रखेंगे तो कितना होगा 8, 4 रखेंगे तो कितना होगा 9, कितना होगा 9। अच्छा, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ये है, देखिएगा,
ठीक है, ये आपका x का मान है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी ऐसा जहां तक चले। देखिएगा तो यहां पर क्या है, x के जगह 5, सॉरी उल्टा हो चुका है, देखिएगा यहां x यहां y, x के जगह हम 0 रखे, y के जगह 5 निकला, तो ये हो गया 0 और 5, x का मान 0, y का मान 5, 1 2 3 4 5 यहां पर, ठीक है। इसके बाद x का मान 1, y का मान 6, x का मान 1, y का मान 6 यहां पर, x का मान 2, y का मान 7, x का मान 2, y का मान 7 यहां पर, x का मान 3, y का मान 8, x का मान 4, y का मान 9। अब बताइए कि ग्राफ की शुरुआत यहां से हुई और यहां से ये ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इस तरीके से बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मान है x का, जो वैल्यू है x का मान 0 से लेकर 4 तक जब हम रखे हैं, x का मान 0 से लेकर 4 तक जब हम रखे हैं, तो 0 से 4 पर इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है। यदि x का मान 0 और 4, 0 से लेकर 4 तक रखे हैं ना, 0 से लेकर 4 तक रखे हैं, तो 0 से लेकर 4 तक जब हमने मान रखा और उसके बाद जब इसका ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ जो है क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ने लगा। देखिए जैसे जैसे मान आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यह जो आपका फंक्शन है, यह फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी यह फंक्शन क्या है, वर्धमान फलन है। समझ में आ रहा है बात, ग्राफ से समझ में आ गया, तो इसको आप पहले एक बार नोट कर लीजिएगा, पहले इस चीज को नोट कर लीजिए, अभी एक दो एग्जांपल और देने वाले हैं, इत्मीनान से यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझेंगे, यदि धरफड़ धरफड़ करके पढ़िएगा तो फिर भारी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको आराम से पहले नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, वाई बराबर साइन एक्स, वाई बराबर साइन एक्स एक फंक्शन आपका है, और आपसे यह कहा जा रहा है कि इस ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजें आपको अभी देखने को मिलेगा, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, या इसका ग्राफ आप लोग को मालूम भी होगा, बताया भी है कितनी बार, यदि साइन 0 रखते हैं तो 0 होता है, ठीक है, और इसके बाद जैसे ही मान आगे बढ़ता है ऐसे बढ़ते जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे निरंतर इसका ग्राफ होता है, समझ में आ रहा है। यहां पर 0 है, यहां पर आपका पाई बाई 2 होता है, यहां पर पाई होता है, ठीक है, यहां पर आपका 3π/2 होता है, 2π होता है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। तो देखिए जब आप साइन का ग्राफ देखते हैं तो क्या लग रहा है कि 0 से π/2 तक ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, 0 से π/2 तक जब हम चलते हैं, 0 से π/2 तक, तो ये आपका क्या है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन π/2 के बाद पाई तक ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है, नहीं घट रहा है, 0 से लेकर π/2 तक इसका ग्राफ बढ़ रहा है और π/2 से लेकर पाई तक इसका ग्राफ क्या हो रहा है, फिर घट रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि 0 से π/2 पर तो यह आपका वर्धमान होगा, वर्धमान होगा, अब π/2 से पाई पर क्या होगा, तो ह्रासमान होगा, नहीं होगा, घट रहा है तो ह्रासमान होगा, है। और यदि कंप्लीट हम देखें कि 0 से π पर क्या होगा, जैसे 0 से π/2 पर बढ़ गया, अब π/2 से पाई तक घट गया, तो हम कहेंगे कि 0 से π के बीच क्या हुआ, तो 0 से π के बीच एक बार बढ़ गया एक बार घट गया, तो न बढ़ा न घटा, जितना बढ़ा उतना ही घट गया, तो नहीं बढ़ा और नहीं घटा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपका नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा, क्लियर हो रहा है सभी चीजें। तो आप एक चीज यहां से समझ चुके हैं कि आप ग्राफ के माध्यम से जो है किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आसानी से बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से। लेकिन आपको हमेशा ग्राफ बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा, ये तो आपको हम सिर्फ उसका मतलब बताए हैं, हमेशा ग्राफ बनाने के लिए आपको नहीं कहा जाएगा,
आपसे ये पूछेगा, एक फंक्शन दे देगा और उसका अंतराल आपको दे देगा, जैसे यहां देखिए 0 से π/2 पर दे देगा चेक करने के लिए, π/2 से पाई पर चेक करने के लिए दे देगा, पाई से 3π/2 पर चेक करने के लिए दे देगा, या फिर यहां से देख लीजिए 0 से π पर चेक करने के लिए दे देगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यह फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक बार में आपको समझाएंगे। और आज जो समझ लीजिएगा, पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, कॉन्सेप्ट ऐसा है, ठीक है। यदि आपने इन चीजों को समझ लिया है तो अब हम आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ऐसा बताने वाले हैं, एक बार कॉन्सेप्ट ऐसा बताने वाले हैं जो पूरा का पूरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको सिखा देगा, ठीक है साथियों। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए, कॉन्सेप्ट समझाने से पहले आपको एक बार अंतराल समझा दे। अंतराल देखिए, अंतराल जो होता है आपका, अभी हम आपको दो प्रकार का अंतराल बता रहे हैं, ठीक है, दो प्रकार के अंतराल को समझना है आपको, उससे ज्यादा समझने की जरूरत अभी नहीं है, हम आपको दो प्रकार का अंतराल समझा रहे हैं। जैसे देखिएगा, यहां पर ए लिखा हुआ है या फिर ए नहीं, हम यहां पर लिख देते हैं अंक, यानी मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है 1 और 3, इसके बीच में यहां ऐसे लग गया बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, लग गया बड़ी ब्रैकेट, तो इसको बोलते हैं बंद अंतराल, इसको बोलते हैं बंद अंतराल, इसको क्या बोलते हैं, बंद अंतराल, यानी क्लोज इंटरवल, समझ में आ रहा है, ये आपका होता है बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। और बंद अंतराल का क्या मतलब होता है, बंद अंतराल का मतलब बड़ी ब्रैकेट, ब से बंद और ब से बड़ी ब्रैकेट, समझ में आ रहा है, बंद अंतराल का मतलब बड़ी ब्रैकेट, अब बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है पकड़ के, बड़ी ब्रैकेट का क्या मतलब होता है पकड़ के, और छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है छोड़ के, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है पकड़ के और छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है छोड़ के। तो अब समझिए कि यहां पर 1 और 3 जो लिखा हुआ है, इसका यह मतलब है कि 1 और 3 माने 1 से लेकर 3 तक का जो मान है वो टोटल इसमें क्या है, शामिल है, 1 भी शामिल है और 3 भी शामिल है, इसलिए हम इसको कहेंगे पकड़ के, माने उसमें 1 को भी पकड़ लेना है और 3 को भी पकड़ लेना है, ठीक है। तो बड़ी ब्रैकेट का मतलब यह होता है या फिर बंद अंतराल का मतलब यह होता है, जहां पर भी बड़ी ब्रैकेट लगल रहेगा वहां पर आपको यह समझना है कि पकड़ के, माने उस संख्या को पकड़ लेना है, और जहां छोटी ब्रैकेट लगल रहेगा वहां पर यह समझना है कि उस संख्या को छोड़ देना है। तो यह है बंद अंतराल का मतलब। अब देखिए, एक होता है आपका खुला अंतराल, जैसे यहां लिखे 1 3, इसको बोलेंगे खुला अंतराल, ठीक है, खुला अंतराल, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल, ये आपका खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल, इसका मतलब होता है छोड़ के, किसको छोड़ के, 1 को भी छोड़ दीजिए 3 को भी छोड़ दीजिए, तो इसके बीच वाला जो भी आएगा सबका सब इसमें शामिल होगा, ठीक है, यानी 1 को भी छोड़ देना है 3 को भी छोड़ देना है, 1 को भी छोड़ देना है 3 को भी छोड़ देना है, उसके बीच में जो भी होगा वो सबके सब उसमें शामिल रहेगा। सभी को समझ में आ गया बंद अंतराल और खुले अंतराल का मतलब। बंद अंतराल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिएगा इस तरीके से भी कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उल्टा बड़ी ब्रैकेट बना देगा, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट के जो उसका डिब्बा होता है उसको सीधे उलट देगा, तो इसका मतलब भी खुला अंतराल ही होता है, ठीक है, इसका मतलब भी खुला अंतराल ही होता है, समझ लीजिए ठीक से, इसका मतलब भी खुला अंतराल ही होता है। और इसका मतलब जो ऊपर आपको बताए हैं वही यहां भी है कि इसमें 1 और 3 दोनों को छोड़ देना है, उसके बीच वाले सभी मान को इसमें शामिल कर देना है। तो क्लियर हो गया बंद अंतराल और खुले अंतराल का मतलब, सभी को समझ में आ गया आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और उसका मेथड क्या है क्वेश्चन को बनाने का, आइए देखते हैं। चलिए आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। दो तरीके की चीज होता है, निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान, या फिर सीधे वर्धमान और सीधे ह्रासमान, दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, बड़ी इत्मीनान से समझने की जरूरत है। देखिए, कोई भी फंक्शन आपको दे देगा और फंक्शन देने के बाद आपसे यह कहेगा कि बताइए कि यह जो फंक्शन है दिए गए अंतराल में, अंतराल आपको दे देगा, दिए गए अंतराल में वर्धमान है या फिर ह्रासमान है
या फिर निरंतर वर्धमान है, या फिर निरंतर ह्रासमान है, या फिर कांस्टेंट है, ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। समझ में आ गया बात सभी लोगों को? चलिए ठीक है, तो यदि आप इतना समझ गए तो अब आसानी से एक चीज और समझ लीजिए। अब क्या चीजें समझना है आपको, देखिएगा कि यदि कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपको दे दे तो सबसे पहले उस फंक्शन में हम परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे उसमें? अल्पतम परिवर्तन करके देखेंगे, और अल्पतम परिवर्तन का मतलब होता है कि उसमें डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यही ना होता है परिवर्तन? यही होता है परिवर्तन। आपने एक्सरसाइज 6 में यह पढ़ा है कि जब आप किसी मान में, किसी क्वांटिटी में परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत होती है। सेम चीज अप्लाई करेंगे हम लोग। कोई भी फंक्शन आपको दे देगा और यदि आपसे ये कहे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हम उसमें परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन का मतलब होता है कि सबसे पहले हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे साथियों? सबसे पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे डिफरेंशिएशन करना है? डिफरेंशिएशन के सारे रूल हम बता दिए हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं आप। करना क्या है? सबसे पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जब आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या करना है? जो अंतराल आपका दिया हुआ रहेगा, बड़ी ब्रैकेट का मतलब अभी आपको जस्ट बता दिए हैं कि मान उसमें ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक रखना है और चेक करना है। क्या चेक करना है? ए से बी तक यदि आप मान रखते हैं, मान रखने के बाद यदि डिफरेंशिएशन का मान, जो डिफरेंशिएशन करके आएगा उसमें एक्स के जगह पर जो अंतराल आपका दिया हुआ रहेगा, ए से बी तक अंतराल, जो अंतराल दिया हुआ रहेगा वो मान रख के आपको चेक करना है कि अब जो मान हम रख रहे हैं परिवर्तन होने के बाद, यदि आप उसमें मान रखते हैं और मान रखने के बाद यदि उसके डिफरेंशिएशन का मान जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा होता है तो उस फंक्शन का जो मान होगा वो आपका वर्धमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? वर्धमान कहलाएगा, यानी इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा वो? इंक्रीजिंग होगा। किस कंडीशन में? जब उसका मान, जब आप ये मान रखेंगे, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट वाली, यानी ए को भी शामिल करेंगे उसमें और बी को भी शामिल करेंगे, और शामिल करके उसके बीच वाले कुछ मान को भी शामिल करेंगे, और जब आप मान एक्स के जगह पर रखेंगे और मान रखने के बाद जो डिफरेंशिएशन आपने किया है उसका वैल्यू यदि वो जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है यानी पॉजिटिव होता है, प्लस में आता है, तो आपको यह समझना है कि फंक्शन वर्धमान है, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। बातें समझ में आ गई? आइए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आप यदि उसमें परिवर्तन किए, एफ डैश एक्स का मान निकाले, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो अंतराल दिया गया है ए से बी तक, जो अंतराल दिया गया है यदि आप उसके मान को उसमें रखते हैं, डिफरेंशिएशन में एक्स के जगह पर रखते हैं, और रखने के बाद यदि डिफरेंशिएशन का मान जीरो से छोटा जीरो के बराबर, यानी जीरो से छोटा माइनस में, जीरो से छोटा समझे तो क्या, माइनस में, और जीरो के बराबर तक आके रुक जाता है तो आपको यह समझना है कि वह इंक्रीजिंग फंक्शन है, वह आपका ह्रासमान फलन है। ठीक है, यानी जीरो से छोटा हो रहा है मान, जीरो के बराबर तक जाके रुक रहा है तो वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी ह्रासमान फलन होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब तीसरी बात क्या कहता है कि आपने परिवर्तन उसमें किया, मान भी रख के चेक किया, मान रख के चेक करने के बाद ये पता चला कि उस फंक्शन का जो मान है डिफरेंशिएशन के बाद जब हमने वैल्यू रखा, अंतराल का मान रखा, तो यह पता चला कि वह जीरो के बराबर आया। कितना के बराबर आया? जीरो के बराबर आ गया। तो ऐसे कंडीशन में वह आपका
अचर फलन होगा, यानी वह कांस्टेंट फलन होगा, ना ही वह आपका बढ़ेगा और ना ही घटेगा। अचर का मतलब यही ना होता है, वह आपका कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? यह बहुत आसान चीजें हैं, क्वेश्चन में जब इसका प्रयोग करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इस चीजों को समझ सकते हैं कि क्या हम कहने जा रहे, मतलब क्या आपको हम कहे हैं। सीधे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और जो अंतराल वाला मान दिया हुआ रहेगा वो अंतराल वाला मान उसमें रखना है। बड़ी ब्रैकेट रहेगा तो दोनों को रखिएगा, माने ए और बी दोनों को पकड़ के उसके बीच वाले मान को भी, ठीक है, रख के देखेंगे। यदि वह प्लस की ओर जा रहा है, यदि उसका मान प्लस में निकल रहा है और जीरो के बराबर भी आ रहा है, तो हम समझेंगे कि वह आपका जो फलन है वर्धमान है। क्या है? वर्धमान है, यानी इंक्रीजिंग है। फिर डिफरेंशिएशन में आपने इस अंतराल वाला मान रखा और रखने के बाद यह पता चला कि वह जीरो से छोटा हो रहा है, यानी माइनस की तरफ जा रहा है, या फिर जीरो के बराबर तक जा रहा है, ठीक है, जीरो के बराबर से लेकर नीचे की ओर जा रहा है, तो हम समझेंगे कि वह डिक्रीज हो रहा है, यानी वह ह्रासमान फलन है, ठीक है। और यदि आपने अंतराल का मान रखा और रखने के बाद डिफरेंशिएशन का मान जीरो के बराबर पाया, तो यह कहेंगे कि उसका जो मान है वो अचर फलन है, वह आपका कांस्टेंट है, ठीक है साथियों। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, वर्धमान और ह्रासमान। अब हम समझते हैं निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले कॉन्सेप्ट को अब शुरू कर रहे हैं और कल इस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। आइए देखते हैं, चलिए देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान देते हैं, इधर कहता है कि निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। निरंतर का क्या मतलब होता है? लगातार वर्धमान और लगातार ह्रासमान, ठीक है। तो इसमें निरंतर शब्द जैसे ही जुड़ा, पहली चीज आपको यह देखना है कि कहता है कि फलन जो है अंतराल कौन, खुला अंतराल जिसमें ए और बी शामिल नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है, यानी ये दोनों को छोड़कर इसके बीच वाला मान यदि आप रखते हैं, ए को भी छोड़ देना है बी को भी छोड़ देना है, और इसके बीच वाला मान यदि आप रखते हैं, ठीक है, इसके बीच में तो बहुत सारे वैल्यू होंगे, तो इसके बीच वाला यदि आप मान रखते हैं और मान रखने के बाद यदि डिफरेंशिएशन का मान सिर्फ जीरो से बड़ा होता है, बराबर नहीं, जीरो से बड़ा होता है, यानी सिर्फ पॉजिटिव आता है, सिर्फ प्लस में आता है, ठीक है, तो यदि सिर्फ प्लस में आएगा तो यह जो आपका होगा निरंतर वर्धमान फलन होगा। क्या होगा? निरंतर वर्धमान फलन। आप यहां से अंतराल को ठीक से चेक कर लीजिएगा, अंतराल यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये जो ए से बी अंतराल दिख रहा है, इसमें ए और बी शामिल नहीं होना चाहिए, इसके बीच वाला मान ही आपको रखना है, और मान रखने से यदि वह जीरो से बड़ा हो रहा है, जीरो से बड़ा हो रहा है, तो वह आपका जो है क्या होगा, निरंतर वर्धमान, क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा, क्लियर है, हाँ। और दूसरी चीज फिर वही आपको समझाएंगे कि यदि अंतराल ए से बी के बीच में डिफरेंशिएशन का मान यदि जीरो से सिर्फ छोटा होता है, यानी सिर्फ निगेटिव होता है, यहां देखिएगा, यहां इसका मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है, और इसका मतलब होता है सिर्फ निगेटिव, ठीक है, यानी सिर्फ प्लस में मान आएगा, जीरो के बराबर नहीं, सिर्फ प्लस में आएगा, तो यह आपका जो है निरंतर वर्धमान कहलाएगा। यदि आपका मान निगेटिव आएगा तो वह आपका निरंतर ह्रासमान कहलाएगा। और यदि अंतराल पर मान लीजिए कि एफ डैश एक्स का मान जीरो के बराबर हो गया, या फिर आप दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि ए से बी के बीच में जितना बढ़ गया उतना ही यदि घट गया, जैसे मान लीजिए कि आप यहां से ऐसे बढ़ गया, आप यहां से बढ़ के यहां आया और फिर यहां से इतना घट के यहां पर आ गया, इसका यह मतलब है कि ना ही यह बढ़ा और ना ही घटा, यानी कॉन्स्टेंट आ गया, समझ में आ गया। तो दोनों बातें आप कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का मान यदि जीरो के बराबर आ गया तो नहीं, मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, अचर हो जाएगा, और दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि जितना बढ़ेगा यदि उतना ही घट गया उस अंतराल पर, तो वह आपका ना ही ह्रासमान होगा और ना ही वर्धमान होगा, ठीक है साथियों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।
इस कॉन्सेप्ट पर अब हम लोग करने वाले हैं कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन, ठीक है साथियों। तो आप लोग वेट करेंगे कल के वीडियो का, इस पर खतरनाक क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। और कल जैसे ही क्वेश्चन आपको हम करके दिखा देंगे, आप अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। यदि आप कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इधर रेड कलर में सब्सक्राइब वाला बटन है उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको बेहतर लगा हो तो, ठीक है साथियों। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।